السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. खैर मकदम है आप तमाम नाजरीन का हमारे इस प्रोग्राम वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है। नाजरीन कराम, गुज़िश्ता नशिश्तों में आपके सामने गुनाहों के नुकसानात के बारे में, गुनाहों के तबाही के बारे में कि इंसान अगर दुनिया के अंदर गलती करेगा, गुनाह करेगा, उसकी ज़िंदगी में क्या तबाही आएगी, उसकी ज़िंदगी में क्या बर्बादी आएगी, किस किस तरीके से वो नुकसान के अंदर मुलव्विस होगा, गुज़िश्ता नशिश्तों में आपके सामने पेश किया गया। आज की इस नशिश्त में इंशाअल्लाह आपके सामने मैं असबाब का तज़किरा करूँगा कि एक बंदा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, अपने हुक्म के फरमा बरदारी के लिए, अपने बातों को मानने के लिए, मामला ये हो गया कि उसने अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर, अल्लाह के कवानीन को छोड़कर, अल्लाह तबारक व ताला की इताअत को छोड़कर उसने गैरुल्लाह की बातों को मानना शुरू कर दिया, वो गुनाह में मुलव्विस हो गया, वो गलतियां करने लगा। मैं ये बताऊंगा कि कौन से वो असबाब हैं जिन असबाब के बिना पर एक इंसान गुनाह में मुलव्विस हो जाता है और उसे एहसास नहीं होता है कि इतनी बड़ी गलती के अंदर मैं मुलव्विस हो गया हूं, इतनी बड़ी खता के अंदर मैं जा रहा हूं, उसके दिल के अंदर से एहसास खत्म हो जाता है। तो आज के इस मजलिस में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ असबाब आपके सामने जिक्र करूं। तमाम असबाब आपके सामने जिक्र तो नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में वो बातें पेश की जाएंगी। सबसे पहला सबब कि जिसकी बिना पर एक बंदा गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाता है, गलती करने लगता है, वो गलती को गलती समझता ही नहीं, इसकी क्या वजह? बहुत बड़ी वजह है। अगर ये वजह हमें समझ में आ जाए नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह अगर इस चीज से हम बच गए, हमारी आधी जिंदगी इंशाअल्लाह आप समझ लें आधी मुकम्मल हयात हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा गुनाहों से बचना। वो क्या है? शैतान का फितना। शैतान कौन? शैतान ये वही शैतान, वही इब्लीस जिसने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी की। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम के तमाम लोगों को जमा किया, फरिश्तों को जमा करके, साथ में ये भी था, और जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि देखो मैं आदम को बनाने वाला हूँ, आदम को जब मैं बना दूं, फइदा सवैतुहु, जब उनको मैं बना करके कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जब मैं उनके अंदर रूह फूकूं, तो ऐ लोगो सबके सब तुम लोग सजदे के लिए गिर जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाने के बाद उनमें रूह फूकी, रूह फूकने के बाद जैसी रूह फूका अल्लाह तबारक व ताला ने सब के सब फरिश्ते सजदे में गिर गए। लेकिन ये बदबख्त शैतान, ये मलऊन, इसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। कहां नहीं माना? दुनिया बनने से पहले की बात है, इसने अल्लाह के हुक्म को माना ही नहीं। इसने क्या कर दिया? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इसने इनकार कर दिया। और यहां पर एक गौर तलब बात है, किसने जो इनकार किया था, इसके इनकार की शक्ल जुबानी नहीं थी, अमली थी। कई सारे लोगों को आज कहा जाता है कि भाई आप ये काम ना करें, ये काम गलत है, तो अपनी जुबान से वो इस चीज का इनकार नहीं करते कि हां मुझे ये काम नहीं करना है, या किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, कहा जाए भाई आप नमाज पढ़ें, तो ये नहीं कहते नहीं पढ़ूंगा, अपने अमल से साबित करते हैं। जिस तरह इबलीस ने अल्लाह के सामने अल्लाह के हुक्म को इस तौर पर नहीं माना कि अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया था, उसने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसने वजह बतलाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजह बतलाया, और खुद उसने भी कहा, अल्लाह ने कहा अबा, उसने इनकार कर दिया। वस्तकबरा, वो घमंड के अंदर मुब्तला था, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, वो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था।
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا کہ ان لوگوں میں سے انکار کرنے والوں میں سے ہی تھا. جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں سے بھگا دیا, وہاں سے بھگا دیا اور کہا اب تو میرے نیک بندوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو زمین پر اتار دیا, ساتھ ساتھ میں اسی وقت نہیں لیکن کچھ دن تک مہلت دیا. پھر معاملہ کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی سے اس نے کہا, کیا کہا, اے اللہ میں قیامت تک کے لیے تجھ سے مہلت چاہتا ہوں, قیامت تک کے لیے تجھ سے میں مہلت طلب کرتا ہوں کہ اے اللہ قیامت تک مجھے اجازت دے دے کہ تو نے جو آدم کو فضیلت دے دی ہے مجھ سے زیادہ میں اس آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا, اس کی ذریت کو چبا جاؤں گا. اللہ اکبر, غور کریں جملہ. ناظرین کرام, اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے, یہ آدم کو تو نے فضیلت دی ہے نا, بہت آسانی سے بہکا دوں گا, بہت آسانی سے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, مکمل طور سے اسلام میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو, کیونکہ اس دنیا میں دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ اللہ کا ہے, دوسرا راستہ شیطان کا ہے, دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے, شیطان والے راستے پر ہے یا رحمان والے راستے پر ہے. اگر شیطان والے راستے پر ہے تو زندگی سدھار لے, رحمان کے راستے پر آ جائے. رحمان کے راستے پر آ گیا اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہی وعدہ کیا ہے, قال فبما اغویتنی, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے, لاقعدن لهم صراطك المستقیم, میں کیا کروں گا, ابن آدم کے راستوں میں بیٹھوں گا. راستے میں کہیں بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر, اتنا زبردست فتنہ ہے ناظرین اکرام کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے قلب پر حملہ کرتا ہے, ہمارے دل پر حملہ کرتا ہے, ہمارے سامنے جو بری چیزیں ہوتی ہیں اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. لاقعدن لهم صراطك المستقیم, میں آدم کی ذریت کے راستے میں بیٹھوں گا, سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور کیا کروں گا, ثم لآتینہم, پھر میں آؤں گا, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے آؤں گا. اللہ اکبر, سامنے سے آ کے حملہ کروں گا, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے آ کے حملہ کروں گا, وعن ایمانہم, ان کے دائیں سے آ کر کے حملہ کروں گا, وعن شمائلہم, ان کے بائیں سے آ کر کے حملہ کروں گا. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین, اے اللہ یہ جو تو نے فضیلت دی ہے نا, یہ جو تو نے فضیلت دی ہے آدم کو, ان میں سے اکثر لوگ تیرے ناشکرے بندے بن جائیں گے. بندے تو تیرے ہوں گے, زمین پر تیرے رہیں گے, کھانا تیرا دیا ہوا کھائیں گے, ہوا تیری عطا کردہ ہوگی, پانی سب کچھ تو دیا ہوگا, لیکن ناشکری تیری کریں گے, نعمتیں تیری لیں گے, تیری ناشکری کریں گے. آج اس کائنات میں ہم دیکھ لیں ناظرین کرام, زیادہ تر لوگ آپ کو ناشکری نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شیطان صبح سے شام تک صرف اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ بندے کو کیسے ناشکرا بنایا جائے, کیسے اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ناشکرا بندہ بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری نہ کرے, اللہ کی فرما برداری نہ کر کے غیروں کی فرما برداری کرنے لگے. آپ اندازہ لگائیں, ایک بندہ اگر اللہ کا ناشکرا بندہ بن جائے گا, اللہ اس کو کیسے آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں, ایک بیوی معمولی سے ناشکری کرتی ہے, آدمی اس کا خرچہ بند کر دیتا ہے, بند کرتا ہے نا, بالکل بند کر دیتا ہے کہ بار بار تجھے میں دیتا ہوں, ہمیشہ تو کہتے مجھے نہیں دیا تم نے, مجھے نہیں دیا تم نے, ٹھیک ہے میں تجھے دوں گا ہی نہیں. اور اس ناشکری کی بنا پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک آدمی اپنی بیوی کو ناشکری کی بنا پر خرچہ بند کر دیتا ہے, اللہ اکبر, تو اللہ کی ناشکری اگر کوئی بندہ کرے گا اس کو کیسے جنت مل سکتی ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो मेराज में ज्यादातर औरतों को जहन्नम में देखा। किस वजह से? पूछा साहबा ने, क्या वजह है? अयकफुरन बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार कर देगा? नहीं, वो अल्लाह का इनकार नहीं करती हैं। यकफुरन लाशीर, वो अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं। शोहरों की नाफरमानी के बिना पर अल्लाह उन्हें जहन्नम में डाल दे, और एक आदमी अल्लाह की ना शुक्री करे वो जन्नत में नहीं मिल सकती है। शैतान अल्लाह तबारक व ताला से जो मोहलत मांग के आया है, इसीलिए मोहलत मांग के आया है कि हमारे सामने गुनाहों को अच्छा बनाकर पेश करे, हमारे सामने सूद को तिजारत बताकर साबित करे, हमारी बहनों के सामने बेपर्दगी को बोले मॉडर्न तरीका है हमारा, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे काम कैसे चलेगा, हमारे सामने गुनाहों को, जिनाकारी को बड़ा प्यारा नाम दे दे, ये तो गर्लफ्रेंड है, ये तो बॉयफ्रेंड है, बड़ा प्यारा सा नाम दे करके लोगों के दरमियान मशहूर कर दे। शैतान की कोशिश ये, मुकम्मल उसकी कोशिश ये। अल्लाह अकबर। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ज्यादातर लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिक्र किया है, उसने कहा है ज्यादातर लोगों को नाशुकरा बना दूंगा। और आप खुद गौर करें नाज़रीन इकराम, जिसकी दुश्मनी के बारे में अल्लाह गवाही दे रहा उसको हम अपना दोस्त कैसे बना सकते? जिसने हमारे अब्बा को नहीं छोड़ा, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम, उसने नहीं छोड़ा। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनके साथ में उनकी बीवी को भी पैदा किया, और पैदा करने के बाद कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्ना, ए आदम तू और तेरी बीवी जाओ जन्नत में रहो, तू और तेरी बीवी जाकर के जन्नत में रहो। फकुला मिन हैथु शितुमा, जहां से तुम्हारा जी चाहे वहां से खाना। कैसा गुमराह किया देखें आप, ये जन्नत से शुरुआत है बहकाने की। जब जन्नत में हमारे अब्बा बहके तो हमको कितना टाइम लगेगा बहकने में, हम तो सुबह शाम गलतियों में मुलव्विस होते। फकुला, खाना तुम दोनों खाना, मिन हैथु शितुमा, जन्नत में जहां कहीं से भी चाहना तुम खा सकते हो। वला तक्रबा हादिहि शजरा, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो एक दरख्त तुमको बता रहा हूं इस दरख्त के करीब भी ना जाना, इस दरख्त के पास भी ना जाना, अगर चले गए ना फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, तुम जालिमों में से हो जाओगे, तुम जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर गुनाह अपनी जगह वो जुल्म होता है। एक बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है वो जुल्म कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दरख्त के करीब ना जाना, दोनों को मना किया था, आदम को भी हव्वा अलैहिस्सलाम को भी कहा था इस दरख्त के करीब ना जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया, वला तक्रब हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना, इस दरख्त के पास भी ना जाना, अगर चले गए फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, तुम जालिमों में से हो जाओगे। हर गुनाह अपनी जगह जुल्म होता है। बज़ाहिर बंदा जब गुनाह करता है तो ये सोचता है अरे तो छोटा सा गुनाह चल जाएगा, नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने शिर्क नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ने मना किया था इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन शैतान इंसान का दुश्मन आया आदम अलैहिस्सलाम के पास, और आने के बाद फवस्वसा लहुम शैतानु, आदम और हव्वा दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा डाल दिया। क्या वसवसा डाला? वसवसा ये डाला जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर किया है, वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरा, कहा आदम और ए हव्वा तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने इस दरख्त के खाने से मना क्यों किया है, मालूम है क्या? तो उन लोगों ने कहा नहीं मालूम है। कहा मैं बताता हूं, इल्ला अन तकूना मलकैनी, खाओगे ना फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाहु अकबर, मतलब कुर्सी के लालच साथ साथ में बड़ा बनने के लालच। अक्सर गुना इसीलिए बंदा करता ना, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, सुपरस्टार बन जाओगे, सुपरस्टार बनने के चक्कर में जीरो बना देता, जहन्नमी बना देता है। आदम अलैहिस्सलाम को पहला जुमला जो शैतान ने वसवसा डाला,
अंतकूना मलकैनी, फरिश्ते बनोगे। और दूसरा क्या कहा, औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम हमेशा हमेश जन्नत में रहोगे। अरे अल्लाह तुमको चाहता ही नहीं जन्नत में रखना, अल्लाह तुमको फरिश्ता बनाना नहीं चाहता है, अल्लाह तबारक होता है तुम्हें जन्नत में लेना चाहता है। मतलब अल्लाह के खिलाफ शैतान ने बुग्ज जाहिर किया कि अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता है। आज भी बाज हमारे जो भाई होते हैं या बाज हमारी जो बहनें होती हैं, उन्हें जब किसी काम से मना किया जाता है तो शैतान में दिल में वसवसा रहता है, क्या ये इस्लाम, जबरदस्ती इतनी सारी चीजें, इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे हिजाब, ये सब शायद हमारे ऊपर जुल्म है। और कुछ लोग रियल में कुछ चीजों को अपने ऊपर समझ लेते हैं ये हमारे लिए वबाल है। अल्लाह ने ये हुक्म क्यों सादिर किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म क्यों रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शादी का सिस्टम क्यों रखा है, डायरेक्ट कोई लड़का किसी लड़की से मिले, आपस में बातें करे, मजा लूट के फिर साइड, ये सब होना चाहिए था। इसमें मजा है, इसमें ज्यादा लज्जत है, लेकिन ये लज्जत ज्यादा दिन तक नहीं, लोगों को ये चीज ज्यादा पसंद आती है। और जब आदम और हव्वा से शैतान ने ये जुमला कहा तो साथ साथ में क्या कहा, वकासमहुमा, साथ में कसम भी खाया, अल्लाह की कसम, मतलब रब की कसम खा करके गुमराह भी करता है, धोखा भी देता है रब के बारे में कसम खा करके। वकासमहुमा, और उन दोनों से शैतान कसम खा रहा था, कहां, जन्नत में भाई नासरीन, जन्नत में सब मामला हो रहा है। कहा मैं तो तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं, ये दरख्त का फल खा लोगे ना, हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। आदम ने खा लिया, आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गए, उसके कसम के चक्कर में आ गए, उस वसवसे में फंस गए। फवसवसा, जो वसवसा उसने डाला था उस वसवसे में आ गए। आज भी कोई शख्स सूद को आकर के कहता नहीं तो ये तो रियल मानों में तिजारत है, आदमी फंस जाता है। कोई शख्स गुनाह को आकर बताता है ये गुनाह थोड़ी ना है, ये तो सही बात है, बंदा उसके अंदर फंस जाता है, बाद में उसको समझ में आता है ये बहुत बड़ी गलती है। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने खाया, खाने के बाद नाज़रीन इकराम उनके जिस्म पर जो कपड़े थे ना वो भी गायब हो गए। तो नाज़रीन इकराम शैतान की कोशिश ये है कि वो बुराइयों को हमारे सामने इतना अच्छा बनाकर पेश करे कि लोग उसमें आ जाएं, लोग उसमें मुलव्विस हो जाएं, लोग उस गलती को मान लें, बाद में उन्हें इस बात का एहसास हो। इस बात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के रास्ते की इत्तबा ना करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जिसकी दुश्मनी की गवाही अल्लाह दे दे, जैसे दुनिया में हमारा कोई दुश्मन होता है ना, तो उसकी दुश्मनी हो सकता है दोस्ती में बदल जाए, लेकिन अगर कोई शख्स बोले मैं शैतान को अपना दोस्त बना लूंगा, उसको खूब पार्टी दिलाऊंगा, हो सकता है दोस्त बन जाए, नहीं, उसको आप पार्टी दिलाएं, उसको आप कितनी भी दावत दें, वो आपका दोस्त बनने वाला नहीं है, वो अल्लाह का दुश्मन है। जिसकी दुश्मनी के बारे में अल्लाह ने गवाही दी, बंदों को चाहिए कि उसे अपना दोस्त न बनाए। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, उसका काम बताया अल्लाह ने, उसका काम क्या है, इन्नमा यअमुरुकुम, उसकी चाहत ये है कि तुम्हें मुनकर कामों के अंदर ले जाए। इन्नमा यअमुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है बेहया बनने का, कि तुम बेहया बन जाओ। कब तक तुम इतना ज्यादा पुराने जमाने के लोगों की तरह रहोगे, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। अब बंदा जब थोड़ा मॉडर्न बनता है तो क्या करता है, सबसे पहले चेहरे से दाढ़ी निकालता है, थोड़ा मॉडर्न बन गया, अच्छा खासा कुर्ते पजामे वाला जींस पैंट में आ जाता है, अच्छी खासी मुअल्लिमा जो पहले मदरसे से फारिग थी अब क्या करती हैं, हिजाब उठा के फेंक देती हैं, अब तो थोड़ा बेहया ही है। सबसे पहला काम शैतान का ये होता है गुनाह कराने का, कि वो बंदे को बेहया बनाता है। और जिसके अंदर बेहयाई आ जाए उसके अंदर ईमान बाकी नहीं रहता। क्यों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीअन, हया को ईमान को इकट्ठा जमा कर दिया गया है। ईमान जिसके दिल के अंदर से निकल जाए, हया भी उसके दिल के अंदर से निकल जाती है, हया बाकी नहीं रहती। अल्लाह ने उसके रास्ते से मना किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, वअन तकूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, एक तो शैतान बुरे कामों का हुक्म देता है, बेहया बनाना चाहता है, और ये चाहता है कि हम अल्लाह के बारे में कोई ऐसा जुमला कह दें जिस जुमले की बिना पर अल्लाह उठा करके हमें जहन्नम में फेंक दे। ये बात हमेशा याद रखें। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस फल को खाया, कपड़े जिस्म से गायब हुए, तब अल्लाह से दुआ किया, क्या दुआ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह ये तो जुल्म हो गया, आदम जन्नत से निकाले गए
अब उसी जन्नत को पाने के लिए हम यहां पर कोशिश करेंगे, यहां पर कोशिश करनी है। इस कोशिश में जो बंदा कामयाब होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत देगा। तो गुनाह करने का एक सबसे बड़ा सबब जो आज हमारे उम्मत के अंदर पाया जाता है, हमारे उम्मत के लोगों के अंदर पाया जाता है, हम इंसानों के अंदर पाया जाता है, वो क्या है? शैतान का फितना। कि शैतान बुराइयों को बहुत अच्छा तज़य्युन करता है, बहुत प्यारा सा उसको बनाता है, किसी भी गलत चीज को बेहतरीन अंदाज में पेश करता है। बंदा उस गलती को ले लेता है और अच्छाई को भूल जाता है। बंदा उस गलती को अपनी जिंदगी में ले आता है और अच्छाई को सोचता शायद मेरे लिए नुकसान है, शायद मेरे लिए नुकसान का सबब बन जाएगा, शायद मेरे लिए इसमें कुछ नुकसान है। उसे नुकसान समझ करके, अच्छाई को नुकसान समझकर और बुराई को अच्छा समझकर उसे अपनी जिंदगी में ले आता है शैतान के फितने में मुलव्विस होकर के। अल्लाहु अकबर, वो अपनी आकिबत, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत को जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में उसे भेजा है, क्या करता है? उस जन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर से वो खो देता है। अब बहुत ज्यादा जब आखिर में पहुंचता है तब उसे ख्याल आता है मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। तबाह किसने किया? इस शैतान ने किया। कैसे किया? बुरी चीजों को अच्छा बनाकर हमारे सामने उसने पेश किया, ले लिया। फैशन को उसने क्या बताया? ये तो बहुत अच्छी चीज है, फैशन के बगैर आज दुनिया में हम कैसे रह सकते हैं? फैशन को अच्छा बना दिया। अब हमारे नौजवान क्या करना शुरू कर दिए? हमारे नौजवान लड़के और हमारे नौजवान लड़कियां उस फैशन को हकीकी मानों में दीन समझ करके या ऐसा समझ करके कि हमारे लिए यही कामयाबी है, शैतान के फंदे में फंस गए। और शैतान के फंदे में जब फंसे, आखिरत तबाह, दुनिया भी तबाह। तो सबसे पहला सबब गुनाह में फंसने का ये है कि शैतान बुराइयों को अच्छा बनाकर पेश करता है। भोला भाला इंसान उस बुराई को समझ लेता कि बहुत अच्छा है, जैसा कि हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम इस बुराई के अंदर मुलव्विस हो गए। तो नाज़रीन इकराम, इस बुराई के करने का सबसे अहम और सबसे बड़ा सबब शैतान का फितना है। आज की इस नशिस्त के लिए इतनी बात काफी है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपको दीगर असबाब भी बताए जाएंगे। जब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।